हाय दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत अपने चैनल कुकिंग फूड गुड आइडिया में आप सबका वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज मैं चटनी वाली सब्जी नहीं, चटनी सॉस के साथ खाने वाली रोटी बना रही हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मैंने गेहूँ का आटा लिया है। आप जितनी बनाना चाहते हैं उसके अंदाज से आप गेहूँ का आटा ले लो, और इसके अंदर मैं नमक अंदाज से आप नमक डालो। इसके बाद थोड़ी चीनी का बूरा, आपके पास चीनी हो तो आप चीनी भी डाल सकते हो। और दूसरी चीज, आप मेरे वीडियो पर बने रहना दोस्तों। देखो, ये मैं छोटी छोटी, जितनी तीखी आप पसंद करते हो, आपको तीखा पसंद हो तो ज़्यादा हरी मिर्ची ऐड कर सकते हो। मैं अपने मैं जितना तीखा पसंद करती हूँ उसके हिसाब से मैंने 3 से 4, मैं 2 लोगों के लिए ही बना रही हूँ दोस्तों, तो 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके बाद और क्या मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, आप चटनी के साथ क्या, सॉस के साथ क्या, आप बिना सॉस के भी खा सकते हो। अजवाइन डाली, सॉस, ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है दोस्तों ये रोटी। और इसके अंदर एक 2 से 3 पके हुए केले हैं जिसे मैं मसल कर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को, रोटी को, आप रोटी नहीं तो पराठे के जैसे भी बना सकते हो। अगर पूरी तलना चाहते हो तो पूरी के फॉर्म में भी इस आटे को मिला सकते हो, और बच्चों को टिफिन में दोगे, जो कि काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है। और मैंने जो केला मसाला था उसे मैंने आटे में मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर दोस्तों देखो, मैं दूध के साथ ये आटे को मिला रही हूँ। रोटी के फॉर्म में जैसे आटे मिक्स करते हो आप उसे मिक्स करो, ठीक है। और ये पराठे भी बना लो, नान की तरह भी बना लो, पूरी भी बना लो, आप जो बनाना चाहते हो। मैं बिना सब्जी का ही इस रोटी को दही के साथ खाऊंगी, सॉस के साथ भी आप खा सकते हो, धनिया की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, आप जो भी आपके पास सॉस चटनी अवेलेबल हो आप उसके साथ खा सकते हो। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है दोस्तों, क्योंकि मैं दूध से मिला रही हूँ तो मुझे उसमें प्याज की टेस्ट मुझे पसंद नहीं आती है। अगर आप तो पसंद हो तो आप प्याज भी बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक ही आप इसमें कट करके डाल सकते हो। मैं थोड़ा रिफाइन हाथ में ले लिया है ताकि ये आटे मेरे अच्छे से
सॉफ्ट हो जाए। आप चाहो तो इसे घी से भी सॉफ्ट कर सकते हो, क्योंकि हेल्दी रोटी ये बन रही है तो आप इसे घी से भी सॉफ्ट कर सकते हो। मैं थोड़ी घी रिफाइन लिया है, आप चाहो तो इसे सॉफ्ट करने के लिए घी रिफाइन ही यूज करोगे दोस्तों। सरसों तेल इसमें नहीं चलेगी, अगर आप पसंद करते हो तो अलग बात है, लेकिन इसमें ये सरसों तेल इसमें नहीं चलेगी। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ही ढक रही हूँ दोस्तों, और अब मैं आपको ये रोटी बनाकर भी दिखाती हूँ। तो आप ये रोटी को जरूर बच्चों के टिफिन में, रोटी या पराठे के रूप में आप जरूर इसे बनाना ट्राई करना दोस्तों, और बच्चों को टिफिन में जरूर देना। हम सब तो खाएंगे तो हेल्दी है ही, बच्चों के लिए तो काफ़ी ही हेल्दी रेसिपी है, इसे आप जरूर बच्चों को बनाकर टिफिन में खिलाना, और मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको ये रोटी कैसी लगी। अब इसे थोड़ी और मसाले चूंगे उसको। अगर आप इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट करने दोगे तो रोटियां बहुत ही हल्की फुल्की और बिल्कुल नरम बनेगी। नरम कर देती हूँ, और रिफाइन मेरे पास अभी नहीं है, ये घी से ही मैं इसे सॉफ्ट कर लेती हूँ। देख रहे हैं कौन, देखो दोस्तों कितनी सॉफ्ट हो गई। आप इसे पराठे, कचौड़ी, पूरी जो भी बना सकते हो, ये काफ़ी ही टेस्टी और हेल्दी होगी दोस्तों। मैं आपके लिए एक से दो रोटी बनाकर दिखाते हैं दोस्तों, ये कितनी हेल्दी और टेस्टी बनती है। आप सब इस आप जितनी बड़ी बनाना चाहो, ये मुझे बहुत मज़ा आता है दोस्तों बड़ी बड़ी साइज की इस रोटी बनाने में, और बिल्कुल पतली, देख सकते हो दोस्तों कितनी पतली है, देखो ट्रांसपेरेंट, देख लो इतनी पतली है कि ट्रांसपेरेंट लग रही है। अब मैंने तवा फुल गर्म कर लिया है, अब इसके अंदर मैं रोटी डाल देती हूँ और दूसरी रोटी की तैयारी करती हूँ दोस्तों। लेकिन इस आटे को आप बनाते समय किसी किचन के कमरे से आप ढककर ही रखो, ठीक है। एक पतली रोटी ही हमारी गैस ही बुझी हुई है दोस्तों,
and seeing the way we can deepen and improve. दही के साथ हमें हिंदुओं को बहुत पसंद आती है। आप इससे पराठे भी बना सकते हैं, ठीक है। पूरी तो जितनी पतली पतली बनाओगे उतनी ही खाने में मज़ा आएगा दोस्तों। अब मुझे इस रोटी को बनाना दोस्तों, और मुझे कमेंट करना दोस्तों कि आपको ये चटनी वाली रोटी कैसी लगी। और आप सबसे मेरी बार बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करने की कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो दोस्तों। हमें आपसे बहुत उम्मीद है दोस्तों, आप सपोर्ट करो मुझे, बिल्कुल आपसे उम्मीद है। आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे दोस्तों, और कमेंट भी करोगे। देखो दोस्तों, मैं एक रोटी आपको लाकर दिखा रही हूँ। देखो कितने रोटी बहुत फूल जाती है, बिल्कुल फूल जाती है दोस्तों, लेकिन मेरे तवे गर्म नहीं थे, गैस बुझ गई थी, इसलिए ठंडे तवे पर मैंने इस रोटी को डाला, इसलिए ये थोड़ी फूलने में नहीं फूल पाई अच्छे से। देखो दोस्तों, एक कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों, लग रहा है कि देखो दोस्तों, लग रहा है ये नान है। ओके, आप सब इस रोटी को जरूर बनाना दोस्तों, और बच्चों के लिए भी बनाना, ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है। ओके, बाय बाय।